हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों सबसे पहले थैंक यू ऑल ऑफ यू अपने चैनल को इतना सपोर्ट देने के लिए। और दोस्तों आज की वीडियो में हम 11 ब्रांड न्यू SUVs के बारे में बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट 8 to 9 मंथ के अंदर इंडिया में लॉन्च होने वाली है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फैक्ट की बात बताना चाहता हूं। मान लेते हैं आपने 2012 में टेस्ला मॉडल एस खरीदा था जिसकी कीमत उस टाइम अप्रोक्सीमेटली 60 लाख रुपए थी, और दोस्तों आज उसकी कीमत 30 लाख रुपए होती। लेकिन दोस्तों अगर आप उसी टाइम वो 60 लाख रुपए टेस्ला के शेयर में इन्वेस्ट कर देते तो आज आप लगभग 50 करोड़ रुपए के मालिक होते। दोस्तों ये बात कहने से मेरा मतलब है कि इन भौतिक चीज़ों के बजाय अपने पैसे को अच्छी जगह निवेश करने में ही समझदारी है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। बैक टू द टॉपिक आए थे दोस्तों, जो सभी गाड़ियां हैं वो इसी साल लॉन्च होने वाली हैं। और दोस्तों अगर आप इनमें से किसी गाड़ी का वेट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट कार की अगर बात करें दोस्तों वो होने वाली है टाटा HBX। दोस्तों टाटा मोटर्स न्यू HBX माइक्रो SUV के प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट को सेकंड क्वार्टर के अंदर लॉन्च करने वाला है। न्यू मॉडल को न्यू मॉड्यूलर अल्फा प्लेटफॉर्म पर बेस्ड रखा जाएगा जिसके ऊपर फर्स्ट कार टाटा अल्ट्रोज हैचबैक भी बनी थी। गाड़ी एक न्यू एंट्री लेवल की SUV होने वाली है। वैसे तो दोस्तों गाड़ी मार्केट के अंदर कहने को मारुति सुजुकी इग्निस और KUV 100 NXT जैसी गाड़ियों के साथ कंपटीशन करने वाली है, बट गाड़ी कई मामलों में इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। गाड़ी के अंदर हमें न्यू 1.2 लीटर 3 सिलेंडर न्यूट्रली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 85 BHP की और 139 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ट्रांसमिशन में हमें बोथ 5-स्पीड मैनुअल और NAMT ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों गाड़ी का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 4.5 लाख एक्सोरूम प्राइस होने वाला है बेस मॉडल का, और गाड़ी को डेफिनेटली मिड 2021 के बाद लॉन्च कर दिया जाएगा। सेकंड कार की अगर बात करें तो वो होने वाली है न्यू मारुति विटारा ब्रेजा। दोस्तों मारुति सुजुकी सेकंड जनरेशन विटारा ब्रेजा को Q3 के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाला है। न्यू मॉडल को कंपनी के हाईटेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड रखा गया है जिसमें गाड़ी के अंदर MSIL के इंजीनियरों ने इसमें मॉडर्न कनेक्टेड फीचर्स एंड स्ट्रॉन्गर हाइब्रिड सिस्टम ऐड किया है। और दोस्तों MSIL की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। न्यू ब्रेजा मार्केट के अंदर किया सोनेट टाटा नेक्सोन महिंद्रा XUV300 फोर्ड इको स्पोर्ट और हुंडई वेन्यू जैसी गाड़ियों के साथ कंपटीशन करने वाली है। गाड़ी के अंदर हमें हाइब्रिड सिस्टम के साथ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा एंड SUV रिसीव ए न्यू 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट्री फिटेड सनरूफ भी हमें गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। और गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कार की अगर बात करें तो वो है हुंडई एल्काजर। हुंडई ने रिसेंटली ही एल्काजर 7-सीटर SUV को अनवील किया था। यह क्रेटा के प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड रखी गई है। एल्काजर का व्हील बेस 150 mm ज़्यादा होने वाला है क्रेटा से। और दोस्तों मार्केट के अंदर गाड़ी का सीधा कंपटीशन टाटा सफारी MG हेक्टर प्लस और अपकमिंग XUV700 जैसी गाड़ियों के साथ होने वाला है। गाड़ी में हमें एक तो एग्जिस्टिंग इंजन 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 113 PS की पावर प्रोड्यूस करता है एंड सेकंड हमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 159 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा। गाड़ी हमें बोथ 6-स्पीड मैनुअल एंड 6-स्पीड टोरक कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ ऑफर की जाएगी। और दोस्तों जो गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाला हो 13 to 17 लाख एक्सोरूम प्राइस होने वाला है। नेक्स्ट कार की अगर बात करें तो दोस्तों वो होने वाली है महिंद्रा XUV700। दोस्तों महिंद्रा एक ऑल न्यू 7-सीटर SUV के ऊपर काम कर रहा है जिसका नेम XUV700 होगा। गाड़ी को थर्ड क्वार्टर के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा, यह महिंद्रा ने खुद कंफर्म किया था। XUV700 करंट XUV500 मॉडल की जगह रिप्लेस की जाएगी। वो बात अलग है कि बाद में हमें XUV500 5-सीटर वर्जन के साथ देखने को मिलने वाली है। XUV700 का मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन टाटा सफारी हुंडई एल्काजर MG हेक्टर प्लस जैसी गाड़ियों के साथ होने वाला है। और दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर आपकी कौन सी गाड़ी फेवरेट है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाड़ी को बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स का बेनिफिट भी मिलने वाला है लाइक ADAS वेंटिलेटेड सीट्स, पावर सीट्स विद मेमोरी फंक्शन। गाड़ी के अंदर हमें 2 न्यू इंजन ऑप्शन भी मिलने वाले हैं, फर्स्ट 2.2 लीटर डीजल इंजन एंड सेकेंड 2.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। और दोस्तों गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फिफ्थ और नेक्स्ट कार की अगर बात करें तो दोस्तों वो होने वाली है स्कोडा कुशाक। स्कोडा मिड साइज SUV कुशाक को मिड 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाला है जिसको जून जुलाई के आसपास लॉन्च भी कर दिया जाएगा। यह नया मॉडल हुंडई क्रेटा किया सेल्टोस और निसान किक्स जैसी गाड़ियों को कम्पीट करने वाला है। और दोस्तों SUV फोक्सवैगन के फेमस MQB AO इन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाली है।
गाड़ी के अंदर हमें दो इंजन ऑप्शन मिलने वाले हैं। फर्स्ट 1.0 लीटर थ्री सिलेंडर जो 113 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा, और जो सेकंड इंजन है वो 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन होगा। यह इंजन बेस्ट इन सेगमेंट होगा जो 147 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा। और दोस्तों गाड़ी का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 10 लाख टू 15 लाख एक्सोरूम प्राइस होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट कार की अगर बात करें तो वो होने वाली है फोक्सवैगन टाइगून। फोक्सवैगन टाइगून 5 सीटर SUV को इंट्रोड्यूस करने वाला है। इसको भी MQB AO प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। SUV स्कोडा कुशाक की ही सिस्टर होने वाली है, जैसे हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस है। SUV के अंदर सेम इंजन और ट्रांसमिशन कुशाक से ही शेयर किए जाएंगे। वही गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पावरफुल पेट्रोल इंजन लगा होगा। यह इंजन इसमें मैनुअल और 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ ऑफर किया जाएगा। और दोस्तों गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। गाड़ी को Q3 के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट कार की अगर बात करें तो वो होने वाली है न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो। दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो की नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर काम कर रहा है, जिसको एंड ऑफ 2021 में लॉन्च किया जाएगा। गाड़ी को न्यू लेड्रोन फ्रेम चेसिस पर बेस्ड रखा गया है। गाड़ी करंट मॉडल से काफ़ी हैवी और बिगर होने वाली है, जिससे गाड़ी के अंदर सेम महिंद्रा थार वाले ही इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। फर्स्ट 2.0 लीटर पेट्रोल एंड सेकेंड 2.2 लीटर डीजल इंजन। लेकिन दोस्तों मे भी यह इंजन स्कॉर्पियो के अंदर लिटिल बिट ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेंगे। और गाड़ी 6 स्पीड मैनुअल एज वेल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ ऑफर की जाएगी। गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस 12 टू 18 लाख एक्सोरूम प्राइस होने वाला है। और दोस्तों नेक्स्ट कार की अगर बात करें तो वो होने वाली है MG एस्टर। दोस्तों इस गाड़ी के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बनाने की सोच रहा हूं। अगर आपको भी किसी गाड़ी के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों MG मोटर्स ZS EV के पेट्रोल वर्जन पर काम कर रही है, जिसको दिवाली के आसपास लॉन्च कर दिया जाएगा। और दोस्तों जिसका ऑफिशियली नेम MG एस्टर होने वाला है प्रोडक्शन मॉडल के अंदर है। यह गाड़ी मिड साइज SUV में अपना दम दिखाने वाली है। गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो ZS EV के फेसलिफ्ट मॉडल से ही शेयर किया गया है। और दोस्तों गाड़ी के अंदर हमें सेगमेंट लीडिंग फीचर्स भी मिलने वाले हैं, लाइक ADAS। गाड़ी में दो न्यू इंजन ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो 120 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा, और सेकंड 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। यह इंजन 163 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा। और दोस्तों गाड़ी का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और दोस्तों लिस्ट की नेक्स्ट कार होने वाली है न्यू ऑडी Q3। दोस्तों ऑडी Q3 की नेक्स्ट जनरेशन को इंडिया में 3rd क्वार्टर के अंदर लॉन्च करने वाला है। गाड़ी पहले से साइज में भी काफ़ी ग्रो हुई है, जिससे अब गाड़ी के कैबिन में भी पहले से ज़्यादा स्पेस हो गया है। द SUV रिसीव अडेप्टिव डैम्पर्स, पार्क असिस्ट, 12.3 वर्चुअल कोकपिट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 8.8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड बैंग एंड ओल्यूसन साउंड सिस्टम मिलने वाला है। गाड़ी के अंदर हमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ लगा होगा। और कंपनी बाद में इसका RS Q3 हाई परफॉर्मेंस वर्जन भी इंट्रोड्यूस करवाएगी। गाड़ी मार्केट के अंदर BMW X1 और Volvo XC40 जैसी गाड़ियों के साथ कंपटीशन करती है। और दोस्तों गाड़ी का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 40 टू 50 लाख एक्सोरूम प्राइस होने वाला है। नेक्स्ट कार की अगर बात करें तो दोस्तों वो होने वाली है सीट्रोन C21 कॉम्पैक्ट SUV। दोस्तों सीट्रोन ने भी इंडिया के अंदर अब धीरे धीरे अपने पांव जमाने शुरू कर दिए हैं। अब वो अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। गाड़ी को सेप्टेम्बर के महीने तक लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसका कोड नेम C21 है। दोस्तों गाड़ी को हमने बहुत बार इंडियन सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान भी देखा है। यह कंपनी के न्यू CMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाली है, जिसके ऊपर अपकमिंग न्यू सेडान भी बेस्ड होगी। गाड़ी मार्केट के अंदर रेनॉल्ट काइगर, निसान मैग्नाइट जैसी गाड़ियों के साथ कंपटीशन करेगी। और दोस्तों गाड़ी के साथ हमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि बोथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ लगा होगा। गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस 6 टू 10 लाख एक्सोरूम प्राइस होने वाला है। और दोस्तों अब लिस्ट की आखिरी कार की बात करें तो वो होने वाली है न्यू फोर्स गुरखा। दोस्तों फोर्स मोटर्स गुरखा ऑफ रोडर की नेक्स्ट जनरेशन को मिड 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाला है। गाड़ी को लास्ट ईयर ऑटो एक्सपो में भी अनवील किया गया था। ऑफ रोडर SUV को न्यू चेसिस रिसीव हुई है। गाड़ी के अंदर एग्जिस्टिंग मॉडल से काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। सेफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाली है। अंडर द हुड 2021 फोर्स गुरखा में हमें 2.6 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलने वाला है, जो हमें ओल्ड मॉडल में भी देखने को मिलता है। और दोस्तों गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस 10 टू 12 लाख एक्सोरूम प्राइस होने वाला है।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इनमें से किसी भी गाड़ी के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।